दिल्ली एनसीआर समेत पूरे इलाके में जो है वो इस समय वायु गुणवत्ता काफी खराब होती जा रही है, और इसको लेकर के सरकार और जो प्रशासन है उसकी किस तरीके की तैयारी है उसके लेकर के हमारे साथ फरीदाबाद के जिला उपायुक्त विक्रम सिंह जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होता जा रहा है लगातार? तो बिल्कुल, जैसा कि अभी देखने में आया है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफी बढ़ गया है, तो आसपास के एरिया में, चाहे दिल्ली के आसपास ले लें या फिर और थोड़ा दूर भी, तो इसके अलग अलग कारण हैं। तो एक नेचुरल कारण भी है, मैनमेड कारण भी है, परंतु इसको कंट्रोल करने के लिए जो सरकार की तरफ से एडवाइजरी और गाइडलाइंस जारी की गई हैं उन सब पे अमल किया जा रहा है। साथ ही हमने टीम्स भी बनाई है यहाँ पे ज़िले में कि वो जाके चेक करें कि कोई अगर वॉयलेशन होती है तो उसको उस पर कड़ी कार्रवाई करें। पाबंदियों की बात कर जाए सर, क्योंकि इस समय काफ़ी जो है 500 के आसपास जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स हो चुका है, तो पाबंदियाँ क्या क्या लगाई गई हैं शहर में वो तो एक बार क्लियर कर दीजिए। जैसे कि कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ या डेमोलिशन की एक्टिविटीज़, उन सभी पे बैन है, और साथ ही जो भी आग लगाने की एक्टिविटीज़ वो सारी बैन ही, आपको पता ही है। इसके साथ जो रोड स्वीपिंग मशीन्स हैं या फिर पानी का छिड़काव है डिपार्टमेंट की तरफ से वो भी करवाया जा रहा है। क्रशर जोन बंद कर दी गई है स्कूल पे, आज शाम तक हम डिसीजन लेके वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे, स्कूल्स बंद रखने हैं या खोलने हैं। और इसके साथ ही जो व्हीकल का मूवमेंट है उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है, और लोगों से भी मैं आग्रह यही करूँगा कि जितना कोशिश हो पाए कि घर से ही काम करने की कोशिश करें, चाहे कंपनीज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को थोड़ा प्रेरित करें कि घर से ही काम करें। आदेश पारित हो चुके हैं सर, लेकिन इसके बावजूद अब निगरानी किस तरीके से की जा रही है, आपने कितनी टीमें जो है वो इसके लिए लगाई गई हैं जो इन सब चीज़ों को निगरानी कर रही है? इसमें जैसे कि पूरे शहर को हमने जोन वाइज बांट के उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम लगाई है, तो उसमें MCF भी है, उसमें पोल्यूशन से भी है, उसमें पुलिस से भी है, या फिर जो बाकी डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट अपना कार्य भी कर रहे हैं, उसमें DTP भी हो गए, HSIDC हो गए, या HSVP हो गए, या NHAI हो गया, तो वो सारे भी कार्यरत हैं कि इसको किस तरीके से हम कंट्रोल में रखें। कहीं ना कहीं सर इसमें एक बड़ी भागीदारी आम जनता की भी होती है, आम जनता को भी कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर के जो है वो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए कोशिश करनी चाहिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? तो बिल्कुल ही, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी समस्या है और काफ़ी सालों से चलती आ रही है, तो इसके कारण भी अलग अलग हैं। तो जैसे कि मैं तो यही कहूँगा कि बूंद बूंद से समुद्र भरता है, तो उसमें अगर कोई भी एक इंडिविजुअल पर्सन कोशिश करके ये कर पाए कि पोल्यूशन थोड़ी भी मात्रा में वो कम कर रहा है, तो इफेक्ट उसका काफ़ी लार्ज रहेगा। तो लोगों से मेरा यही आग्रह है कि जो सरकार ने जो डायरेक्शन से एडवाइजरी दी है उसका कृपया करके पालन करें, और साथ ही जितना भी हो पाए घर पे रह के काम करें। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से आम लोगों की भी जो है एक ये जिम्मेदारी बनती है कि लगातार बढ़ते इस जो वायु प्रदूषण के कारण जो है वो जिस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, आम जनता को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए जो है वो सरकार के साथ सहयोग करने की जरूरत है। तो और इसको लेकर के जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उनको पूरे तरीके से अमल में लाया जाना चाहिए, उनको जो है वो पालना करनी चाहिए। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सिटी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।